कांडा में आगामी 20 दिसंबर से शुरू हो रहे कांडा महोत्सव को भव्य व आकर्षक बनाने की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। मेला आयोजन समिति ने बताया कि 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे सद्भावना दौड़ के साथ ही मेले का आगाज होगा। मेले के शुभारंभ समारोह में सांस्कृतिक झांकी, कलश यात्रा व छोलिया नर्तकों को शामिल किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले कांडा महोत्सव में दिन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम व विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी तो रात में स्टार कलाकारों की नाइट होगी। मेला अध्यक्ष प्रकाश नगरकोटी ने बताया कि मेले के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आने की पूरी संभावना है। प्रशासन की ओर से सर्वप्रथम हम समस्त कांडा महोत्सव के सभी पदाधिकारीगण जिलाधिकारी महोदया से मिले, उनके द्वारा हमें स्टॉल लगाने के लिए जो सरकारी विभाग के स्टॉल हैं उसको लगाने के लिए उन्होंने अपने जनपद के अंदर जितने भी सरकारी विभाग हैं उनको निर्देशित किया है। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे क्षेत्र में जो ये कांडा महोत्सव हो रहा है उसमें इस प्रकार से स्टॉल लगेंगे और बाहर से जो दुकानें आएंगी उनको भी हमारी कांडा महोत्सव मेला कमेटी पूरा सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रात्रि का कार्यक्रम हमारा स्टार नाइट का रहेगा, 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर ये रहेगा। तो सर्वप्रथम हमारा जो दिन के कार्यक्रम होंगे हमारे कांडा क्षेत्र के जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी पब्लिक स्कूल और शिक्षण संस्थाएं सरकारी विद्यालय हैं और जो हमारे यहाँ के स्थानीय कलाकार जो हैं पूरे कांडा तहसील क्षेत्र के बागेश्वर जनपद के जो भी स्थानीय कलाकार हैं दिन में उनका कार्यक्रम पूरी कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया कि उनको यहाँ पर मंच दिया जाएगा। और जो रात्रि को हमारे कार्यक्रम यहाँ पर होंगे शाम के 7 बजे से रात के 12 बजे तक जो निर्णय कमेटी ने लिया है उसमें सूचना विभाग कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल दोनों मंडलों से सूचना और संस्कृति विभाग की ओर से हमें बहुत अच्छी टीमों का यहाँ पर आने का भरोसा जिलाधिकारी माध्यम से हमें मिला है और इस क्षेत्र के विधायक जी ने और यहाँ के जो सांसद हमारे राज्यसभा हैं प्रदीप टमटा जी की ओर से भी आदेश हुआ है कि हम लोग इसमें पूरा आपको गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों से हम अपने अच्छी टीमों को यहाँ पर भेजने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम सब लोगों को आशा भी है कि अपने क्षेत्र के विधायक और जो सांसद यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, ये हमें पूरा विश्वास उनके साथ। इस कांडा महोत्सव के लिए स्टार सिंगर जो हमें मिल रहे हैं इसमें प्रहलाद मेहरा जी हम उनका आने की यहाँ पर संभावना हो चुकी है और पवन पहाड़ी जो ये पिथौरागढ़ वाले हैं ये भी हमारे यहाँ पर स्टार सिंगर के रूप में यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके बाद जो रात्रि के जितने स्टार नाइट के जो भी प्रोग्राम होंगे ये सूचना के द्वारा जो हमें यहाँ प्राप्त हुई तो उसमें टोटल लोकमंच जो हमारे लोकल के हैं वो भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जो और उससे भी जो आकर्षण का हमारे यहाँ पर केंद्र रहेगा जो सांस्कृतिक उसमें हम लोग कहेंगे तो जो स्कूलों से हिमालयन पब्लिक स्कूल चौकड़ी से भी यहाँ पर बच्चों की यहाँ पर टीम आ रही है वो भी हमारे लिए एक स्पेशल यहाँ पर झांकी का काम करेगी और एक अच्छा हम यहाँ पर प्रोग्राम देंगे। और इसके अलावा सभी जनता से सहयोग करेंगे कि आप लोग यहाँ पर आएँ और अधिक से मेले को भव्य बनाएं। पूरे ग्राउंड में हमारी तैयारी चल रही है जिससे कि यहाँ पर सरकारी स्टॉल भी आएंगे, दुकानें भी आ रही हैं और पूरा यहाँ पर सारी सैनिक कल्याण का भी स्टॉल लगेगा, न्यायिक प्राधिकरण का भी स्टॉल लगेगा और जितने भी एक डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट होते हैं सभी के स्टॉल यहाँ पर प्रस्तावित किए गए हैं। और मैं समस्त क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एक नए कार्यक्रम में आप भाग लें जिससे क्षेत्र में एक विकास की ओर अग्रसित हो, पूरा क्षेत्र एक हो। और 20 तारीख को सद्भावना रेस के साथ इसका उद्घाटन होगा, उसके अलावा सांस्कृतिक झांकियां लोक कलाकारों द्वारा अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ इस महोत्सव को भव्य बनाने के लिए सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और मैं समस्त क्षेत्र की जनता से आकांक्षा करता हूँ कि आप लोग इस महोत्सव को भव्यता का रूप देने में अपना समय दें और मैं सभी लोगों के दीर्घायु की कामना करता हूँ। महोत्सव के आकर्षण का केंद्र सांस्कृतिक झांकियाँ जो कि काफ़ी हमने सोचा हुआ है और हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं, यह मुख्य आकर्षण का केंद्र सांस्कृतिक यात्रा जो कि सभी विद्यालयों के द्वारा और सभी क्षेत्रीय जनता के सहयोग से
यहाँ पर किया जाएगा। सीसीएन न्यूज के लिए कांडा से विजय कार्की के साथ योगेश नगर कोटी की रिपोर्ट।